हैलोवीन की एक डरावनी रात जहां चार दोस्त भूत प्रेत के खेल में एक खौफनाक किताब खोल देते हैं। दिन ऐसी कहानी जिसे पढ़ने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता। जब इसी कहानी के किरदार सच्ची दुनिया में आ पड़ेंगे तब क्या होगा, देखेंगे आज की वीडियो में, जो 2023 में आई हॉरर फिल्म बू के बारे में है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। So now with that said, let's roll the intro. तो कहानी की शुरुआत में हम एक घर देखते हैं जहां का माहौल काफी स्पूकी लग रहा था। घर के एक तरफ कुछ स्केल्टन्स और कैंडीज रखे हुए थे तो दीवार पर ममीफाइड स्टैचू सजाया हुआ था। इस अजीब माहौल के बीच हम मिलते हैं कायरा से, जो आज इस घर में हैलोवीन पार्टी रखी है। कायरा अब भी तैयारियों में व्यस्त है जब उसे उसकी दोस्तों का वीडियो कॉल आता है। कायरा के दोस्त हैं काव्या, अरुणा और ऋतु, और आज ये सभी मिलकर पार्टी करने वाले हैं। कॉल पे कायरा उन्हें जल्दी आने कहती है क्योंकि अगर सुबह हो गई तो वो लोग बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फोन कट होने के बाद कायरा को उसकी माँ का फोन आता है, जो घर का अजीब माहौल देखकर कायरा से पूछती है कि वो आखिर यहाँ करने क्या वाली है। कायरा अपनी मॉम को भी हैलोवीन के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसकी मॉम थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी घर का बेल बजता है और हम देखते हैं कि कायरा के दोस्त यहाँ पहुंच चुके हैं। कायरा इन्हें इतनी जल्दी यहाँ देख थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो उन्हें घर पर वेलकम करती है और पार्टी का पूरा सेटअप दिखाती है। लेकिन ये सब देख ऋतु काफी डर जाती है और वो बताती है कि उसे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है और वो इन सब में शामिल नहीं होना चाहती। बट ऑफ कोर्स कायरा उसे मना लेती है। नाउ घर के अंदर दाखिल होने पर कायरा अपने सभी दोस्तों का फोन ले लेती है और उन्हें एक ड्रॉअर में बंद कर देती है। वो सभी डिसाइड करते हैं कि कल सुबह तक कोई बाहर से कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा और इंस्टेड पूरी तरह हैलोवीन और भूत प्रेतों के किस्सों को एंजॉय करेगा। इनफैक्ट वो घर का डोर लॉक करके चाबी बाहर फेंक देती है ताकि अंदर से कोई बाहर जा ही ना सके। तो उस रात खाना और डांस वगैरह एंजॉय करने के बाद सभी दोस्त मिलकर हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इसी बीच घर की लाइट चली जाती है और ऐसे में कायरा वॉचमैन से इस बारे में कॉल करके पूछती है। वॉचमैन बताता है कि यहाँ ट्रांसफॉर्मर में कुछ खराबी आ गई है, तो अब लाइट सुबह ही आएगी। अब बिना बिजली के मूवी देख पाना तो मुमकिन नहीं था, तो इस पॉइंट पे कायरा अपने पार्टी का अगला थीम खोलती है। वो निकालती है किताब जिसका नाम था हैलोवीन टेल्स। दिखने में ये किताब काफी पुरानी लग रही थी और कायरा के दोस्त इस बुक को देख काफी इंट्रीग हो जाते हैं। कायरा उन्हें बताती है कि ये किताब बहुत खास है। उसका कहना था कि पूरी दुनिया में द हैलोवीन टेल्स के सिर्फ 4 ही कॉपियां मौजूद हैं। इनफैक्ट इसे पब्लिश करने वाला आदमी भी इस बुक को पढ़ने के बाद कहीं गायब हो गया। वो आगे बताती है कि उसने अपने किसी दोस्त से कहकर बहुत मुश्किल से ये किताब हासिल की है और उसके दोस्त ने भी उसे वार्न किया था कि ये बुक कभी अकेले नहीं पढ़ी जा सकती। कायरा बताती है कि आज हैलोवीन के दिन पर वो सब साथ में इस किताब को पढ़ेंगे और इस तरह उनकी रात भी कट जाएगी। अब ऋतु को छोड़ बाकी सब इस बुक को लेकर काफी एक्साइटेड दिखते हैं। हम देखते हैं कि किताब के पहले ही पन्ने में कुछ वार्निंग्स लिखी हुई थी, जो पढ़कर इन सब के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यहाँ लिखा था कि इस किताब के अंदर 4 कहानियां मौजूद हैं और एक बार किताब खोल दी गई तो पढ़ने वाले को 4 कहानियां पढ़नी होंगी। इस किताब को पढ़ने के बाद जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पढ़ने वालों पर है। यहाँ ये भी मेंशन किया गया था कि इस किताब के अंदर कुछ रूल्स मिलेंगे जिन्हें हर हाल में फॉलो करना होगा, वरना कुछ बहुत बुरा हो सकता है। और फाइनली एक बार इस किताब को पढ़ लिया तो इसके अंदर की कहानियों के बारे में किसी से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो इन भयानक वार्निंग्स को देख लेने के बाद कायरा और उसके दोस्त किताब की पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं और इस कहानी का नाम था हिकअप्स। कहानी के दरमियान हम मिलते हैं एक यंग जर्नलिस्ट से जिसका नाम है वनधि। वनधि आज एक नए शहर में आई है जहां उसे एक घर की तलाश है। हम वनधि को फोन पर किसी लड़के से बात करते भी देखते हैं, जिससे वो अगले दिन मिलने का प्लान बनाती है। आगे वनधि कैब में बैठकर अपने ब्रोकर से मिलने आती है, जिसने वादा किया था कि वो उसे एक घर दिलवा देगा। लेकिन यहाँ पहुंचकर ये आदमी अपनी बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि क्योंकि वनधि एक जर्नलिस्ट है, इसलिए कोई भी फैमिली उसे घर देने के लिए तैयार नहीं हो रही। इस बात को सुन वनधि बहुत मुश्किल में पड़ जाती है क्योंकि वो अपना सारा सामान लेकर निकल चुकी थी। ब्रोकर उसे सलाह देता है कि वो आज रात किसी होटल में रुक जाए
और कल सुबह तक वो उसके लिए कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देगा। अब आधी रात को सड़क पर रुकना तो पॉसिबल था नहीं, इसलिए वनदी कैब में बैठकर रास्ते में होटल या रुकने की जगह खोजने लगती है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर कैब अचानक बंद पड़ जाता है। ड्राइवर को भी कुछ समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया। तभी वनदी की नजर सड़क के किनारे बने एक घर पे पड़ती है जहाँ पे टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था। ये बोर्ड देख वनदी गाड़ी से अपना सामान लेकर बाहर निकलती है और इस घर का गेट खटखटाने लगती है। कुछ देर बाद अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है जो देखने में काफी क्रीपी लग रही थी। वनदी उनसे घर के बारे में पूछती है और कहती है कि वो अभी के अभी अग्रीमेंट साइन करना चाहती है। इनफैक्ट वो तो घर देखने की डिमांड भी नहीं करती। वो औरत उसे बताती है कि घर का रेंट 10,000 है और वो चाहे तो सुबह आराम से अग्रीमेंट वगैरह साइन कर सकती है। एंड ऑब्वियसली वनदी मान जाती है, लेकिन अंदर आने देने से पहले ये औरत वनदी से एक आखिरी सवाल पूछती है। वो उससे पूछती है कि कहीं उसे हिचकी यानी कि हिकअप्स तो नहीं आते। अब वनदी को ये सवाल बहुत अटपटा लगता है, लेकिन वो इस वक्त इतनी डेस्परेट हो पड़ी थी कि वो तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि उसे तो हिचकियां आती ही नहीं। तो नेक्स्ट सीन में हम वनदी को घर के अंदर दाखिल होते देखते हैं जहां सरप्राइजिंगली सब कुछ ऐसे सजाया हुआ था मानो यहां कोई पहले से रहता हो। घर भी काफी बड़ा और आलीशान लग रहा था, जिससे वनदी को थोड़ा डाउट होता है, मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। नहाते वक्त वनदी को उसी बूढ़ी औरत का वो अजीब सवाल याद आता है और वो मजाक बनाते हुए हिचकियां लेने की कोशिश करती है, सेइंग कि भला कौन ही ऐसा इंसान होगा जिसे हिचकियों से प्रॉब्लम होगी और जिसे हिचकियां नहीं आती हो। वनदी के ऐसा करने पे कुछ भी नहीं होता और वो उसे कोई सुपरस्टिशन समझकर भूल जाती है। नीचे पहुंचकर वो खाना ऑर्डर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि यहां कोई नेटवर्क ही मौजूद नहीं है। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है और ये कोई अनजान नंबर था। अब जब वनदी फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि ये फोन असल में उसकी मकान मालिक का था। वो औरत वनदी से कहती है कि अगर उसे भूख लगी है तो खाना फ्रिज में मौजूद है, वो चाहे तो खा सकती है। अब वनदी यहाँ उस औरत से पूछने की कोशिश करती है कि उसे उसका नंबर कहाँ से मिला, लेकिन इससे पहले ही फोन कट हो जाता है। एक बार फिर से वनदी इस बात को इग्नोर कर देती है और फिर से खाना और पानी ले लेती है। खाते वक्त उसे उसकी माँ का फोन आता है और वनदी अपनी मॉम को इस घर के बारे में बताने लगती है। बात करते हुए जब वनदी खा रही होती है तभी अचानक उसे हिचकी आने लगती है। यही नहीं, जैसे ही उसे हिचकियां शुरू होती है वनदी देखती है कि घर की लाइट्स अपने आप फ्लिकर करने लगी है। वो पानी पीने की कोशिश करती है लेकिन ग्लास का पानी मानो जम जाता है। वनदी चाहकर भी एक बूंद भी पानी नहीं पी पाती। यही नहीं, घर के हर तरफ वनदी को पानी गायब होती दिखाई देती है और जब वो नल के पास जाती है तब नल का डायरेक्शन भी अपने आप बदलने लगता है मानो कोई उसे मोर रहा हो। इधर उसकी हिचकियां लगातार बढ़ने लगती है और इस घटना से वनदी बहुत डर जाती है और तभी उसे ऊपर कमरे से नल की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को फॉलो करते हुए वनदी अपने बाथरूम में पहुंचती है और यहां से पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि पानी उसके हाथ में ही नहीं आ रहा। इंस्टेड शावर के अंदर इसी जल में एक डरावनी आकृति बनने लगती है। वनदी डर के नीचे भागती है जहां हम उसके ठीक पीछे उसी बूढ़ी औरत की एक डरावनी परछाई देखते हैं। वही डाइनिंग हॉल में अचानक ही एक कटा हाथ दिखने लगता है जो वनदी को पानी का ग्लास ऑफर करता है। वो डर कर बाहर भागती है और खिड़की पर उसी बूढ़ी औरत को खड़ा देखती है। वनदी उसे मदद के लिए गिड़गिड़ाती है लेकिन ये औरत उसे देखकर भी कुछ नहीं करती। हम देखते हैं कि घर के अंदर वनदी उसी अंधेरे में कहीं गुम हो जाती है। वनदी के गायब होने के बाद ये बूढ़ी औरत बड़े आराम से इस घर के आगे वापस से टूलेट का साइन लगा देती है। यहीं पे पहली कहानी समाप्त होती है। तो इसी के साथ हम वापस से कायरा और उसके दोस्तों के पास पहुंचते हैं जो पहली कहानी पढ़ लेने के बाद काफी डर चुके हैं, लेकिन इन्हें कहां पता था कि डर का खेल तो अभी बस शुरू हुआ है। कहानी के समाप्त होते ही पूरे घर में हिचकियों की आवाज गूंजने लगती है। कायरा और उसके दोस्त हर तरफ इस आवाज के सोर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज बस इन्हें फॉलो करती जा रही थी। इस हादसे से ये चारों बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें किताब का अगला पन्ना अपने आप मुड़ता हुआ दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि अगर उन्होंने कहानी पढ़ना जारी रखा तो ये आवाज अपने आप बंद हो जाएगी। ये देख कायरा और बाकी सब किताब का अगला पन्ना खोलते हैं और हमारी अगली कहानी शुरू होती है जिसका नाम है द सोल ट्रैपर। तो इस कहानी में हम मालविका से मिलते हैं जो अभी अभी एक डेट से वापस लौट रही है। तूफानी रात और ऊपर से तेज बारिश, गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसी पल मालविका को उसकी दोस्त का फोन आता है जो उससे पूछती है कि उसे घर आने में कितना वक्त लगेगा। वो ये भी पूछती है कि वो तो डेट पर इस लड़के को मना करने गई थी ना, फिर इतनी देर कैसे हो गई। इस पर मालविका बताती है कि असल में उसे लड़का पसंद आया है। ऐसे ही बात करते हुए वो आगे बढ़ती है और अपनी दोस्त से वादा करती है कि वो बस रास्ते में ही है और 15 मिनट में घर भी पहुंच जाएगी। इस बातचीत के दौरान
मौसम और भी बिगड़ने लगता है और अचानक मालविका के गाड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी और उसका छोटा सा बेटा आ जाता है। ये दोनों शायद रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो गाड़ी से टकरा जाते हैं। सब कुछ इतना जल्दी खत्म हो जाता है कि मालविका को सोचने बूझने का कोई मौका ही नहीं मिलता। हम अगले ही पल उसके गाड़ी के पीछे शीशे पर एक लहूलुहान हाथ देखते हैं जो शायद मदद की गुहार लगा रहा हो। अब इस पॉइंट में मालविका बहुत डर चुकी थी और वो हड़बड़ा कर घर भागती है। घर पहुंचकर वो डोर अंदर से लॉक कर लेती है और खुद को संभालने के लिए मालविका वॉशरूम में जाती है और अपने चेहरे को साफ करने लगती है। लेकिन तभी उसे आईने में एक डरावनी शक्ल दिखती है और ये शक्ल उन्हीं बाप बेटी की थी जो खून से लथपथ बेबस हालत में मालविका को झांक रहे थे। इस सीन को देख मालविका की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो डर के मारे बाथरूम से भागती है। लेकिन बाहर जाकर भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मालविका को बाहर से एक बॉल की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि घर के हॉल में एक बॉल अपने आप दीवार से टकरा रहा है मानो कोई उससे खेल रहा हो। यही नहीं, जब मालविका आईने की तरफ देखती है तो वो क्लियरली उसी नन्हे लड़के को खून से लथपथ देखती है जो कि बॉल से खेल रहा था। मालविका किसी को खुद को कमरे की दूसरी तरफ छिपाने की कोशिश करती है लेकिन वहां वो एक और डरावना नजारा देखती है। वो देखती है कि उस बूढ़े आदमी की एंटिटी वहीं सोफे पर बैठी उसे घूर रही थी जिसकी परछाई उसे सामने के आईने में दिखाई देती है। मालविका अंदर की तरफ भागती है जहां उसके ठीक सामने हम आईने में उसकी खुद की परछाई देखते हैं। मालविका देखती है कि ये परछाई उसे देख अजीब तरह से मुस्कुरा रही है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और ये प्रतिबिंब मालविका को इसी आईने के अंदर खींच लेता है। यहीं पे कहानी खत्म। अब सेकंड स्टोरी के पूरे होते ही एक और अजीब घटना होती है। कायरा और उसके दोस्तों को पूरे घर में मालविका की चीखें सुनाई देने लगती है। वो उनसे मदद के लिए गुहार लगाती है, उसे आजाद करने को कहती है। इस आवाज को फॉलो करते हुए ऋतु, अरुणा और काव्या आईने के पास पहुंचते हैं लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता। इंस्टेड उन्हें पीछे से कायरा की चीख सुनाई देती है। उसके दोस्त देखते हैं कि कायरा किसी तरह टीवी के अंदर कैद हो गई है। वो उनसे मदद करने कहती है लेकिन किसी भी तरह बाहर नहीं आ पाती। वो लोग मदद बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन सरप्राइजिंगली उन्हें ड्रॉअर में अपना फोन भी नहीं मिलता। ऐसे में कायरा उनसे कहती है कि हो ना हो इस बात का सोल्यूशन भी उस खौफनाक किताब में ही होगा। तो ये लोग बुक का अगला पन्ना खोलते हैं जिसमें लिखा था कि यदि वो कायरा को वापस आजाद करना चाहते हैं तो उन्हें अगली कहानी पढ़नी होगी। तो अगली कहानी थी द अनइनवाइटेड गेस्ट। इस कहानी में हम मिलते हैं जानो से जो काफी परेशान लग रही है, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। वो मैसेज पर किसी ए नाम के बंदे से बात करती है और उसे पूछती है कि उसने उसके रिश्ते के बारे में क्या सोचा है। ये लड़का जानो के सवाल का जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन फाइनली कहता है कि शायद वो इसके लिए तैयार है। एक ही बात सुन जानो बहुत खुश हो जाती है और हम उसे खुशी में लिटरली डांस करते हुए देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जानो किचन में चाय बनाने जाती है जब अचानक उसे अपने फोन की घंटी सुनाई देती है। फोन में वो एक वीडियो देखती है जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं। ये लड़की बहुत डरी हुई लग रही थी और किसी अजीब से अंधेरे घर में मौजूद थी। वीडियो में ये लड़की बताती है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड किसी डरावने घर में फंस गए हैं जहां आत्माएं उनका पीछा कर रही है। वो लड़की लगातार मदद के लिए पुकारे जा रही थी और ऑब्वियसली जानो ये वीडियो देख बहुत घबरा जाती है और इस नंबर पे फोन लगाने की कोशिश करती है लेकिन सरप्राइजिंगली ये नंबर बंद आने लगता है। कुछ न समझ पाकर जानो ए को ये वीडियो भेजती है और उसे तुरंत इसे वेरीफाई करने कहती है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ए जानो को फोन करता है और उसे पूछता है कि उसने तो कहा था कि वो घर में अकेली है, फिर उसकी ये वीडियो किसने बनाई। ए की बात सुन जानो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और दोबारा उस वीडियो को चेक करती है। इस बार चेक करने पर वो देखती है कि ये वीडियो तो पूरी तरह बदल चुका है। इसमें हम खुद जानो को देखते हैं जिसमें उसके पिछले कुछ मिनट्स की सारी एक्टिविटी को किसी ने रिकॉर्ड करा था। जानो ये देख बहुत डर जाती है और पूरे घर में घूमते हुए पूछने लगती है कि आखिर यहाँ कौन है। उसे ऊपर के कमरे से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और वो इस आवाज का पीछा करते हुए एक अंधेरे कमरे में पहुंचती है। ये कमरा ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इस घर का हिस्सा ही ना हो। इनफैक्ट ये धूल और जालों से भरा बिल्कुल वही अंधेरा कमरा लग रहा था जो जानो ने उस वीडियो में देखा था। यहाँ पर उसको जानो एक कुर्सी की तरफ देखती है जहाँ कोई एक चादर तले बैठा हुआ मालूम होता है। लेकिन जब जानो चादर हटाती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। इंस्टेड उसे अपने पीछे एक डरावनी परछाई महसूस होती है जो जानो पर अचानक हमला कर देती है। जानो डर कर पीछे भागती है और हड़बड़ी में अपना फोन नीचे गिरा देती है। तभी फोन की घंटी दोबारा बजती है और जानो देखती है कि उसे किसी ने फिर से एक वीडियो भेजा है। इस बार आरती वीडियो में खुद को फोन चलाते हुए देखती है जब कहीं से उसके ऊपर एक शैतानी हाथ हमला कर देता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है।
ये वीडियो देख जानम बहुत डर जाती है। वो तुरंत पुलिस को फोन करती है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पहुंचने के लिए कहती है। तभी असल में एक शैतानी हाथ जानम पर हमला कर देता है और धीरे धीरे उसकी सांसें बंद होने लगती है। इसी के साथ ये कहानी भी खत्म होती है। तीसरी कहानी के खत्म होते ही ऋतु और अरुणा को अपने घर की घंटी सुनाई देती है और टीवी से कायरा उन्हें चेक करने बोलती है ताकि कोई उनकी मदद कर सके। तो ऐसे में ऋतु और अरुणा डोर के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें बाहर एक आदमी मिलता है जो बताता है कि वो पुलिस है और उसे अभी अभी इस घर से किसी लड़की का फोन आया था। Now, this was surprising. ऐसे में इंस्पेक्टर बाहर से डोर खोल अंदर आता है और इनसे पूछता है कि उन्होंने इस कदर खुद को अंदर लॉक क्यों कर रखा है। अरुणा और ऋतु ने अब तक की सारी घटना समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये आदमी कुछ भी मानने से इनकार कर देता है और इनसे बार बार पूछने लगता है कि आखिर वो लड़की कहाँ है जिसने पुलिस को फोन किया था। तब इस ऑफिसर की नजर टीवी की तरफ पड़ती है जहाँ अब भी कायरा कैद थी। कायरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग असल में उस किताब में फंस चुके हैं और उन्हें कहानी की ही कैरेक्टर ने फोन लगाया था जो कि असल दुनिया में लग गया है। इस पल घर में मानो एक तूफान सा आता और कोई अदृश्य शक्ति इस पुलिस वाले को अपने साथ खींच ले जाती है। घर का डोर भी अब वापस लॉक हो चुका था और कायरा भी टीवी से बाहर आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग घर से बाहर नहीं जा पाते। ऐसे में कायरा सजेस्ट करती है कि उनके पास किताब की आखिरी कहानी पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इसी के साथ हम चारों दोस्तों को वापस इकट्ठा होते देखते हैं जहां वो अब किताब की चौथी कहानी पर पहुंचते हैं जो थी आकाश और मीरा की। तो आकाश एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है जिसने अभी अभी एक ऐसा चश्मा बनाया है जिसे पहनकर हम आत्माओं को देख सकते हैं। आकाश अपनी फियांसे मीरा को एक रात शहर के सबसे पुराने बंगले में इनवाइट करता है। वो मीरा को अपने इन्वेंशन के बारे में बताता है और कहता है कि अगर आज रात उन्हें इस बंगले में कोई आत्मा दिख गई तो वो खुद को साबित कर पाएंगे। अब मीरा यहाँ आत्माओं में बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी, लेकिन आकाश के कहने पे वो अंदर जाने के लिए मान जाती है। ये दोनों वो चश्मा पहन लेते हैं और आकाश मीरा से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये चश्मा ना उतारे। आत्माओं को देखने के बाद वो चुपचाप यहां से चले जाएंगे। तो जब आकाश और मीरा अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है एक खूबसूरत महल जो समय के साथ धुंध में काला पड़ गया था। आकाश मीरा को बताता है कि आज से कई साल पहले इस महल में एक जमींदार अपनी एक लौती बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए उसे महल के अंदर पहरेदारों और नौकरों की निगरानी में रखा जाता था और उसे बहुत कम लोग देख पाए थे। लेकिन एक रात जमींदार की नामौजूदगी में महल के नौकरों ने उस लड़की पे हमला कर दिया और उसे मार डाला। जब जमींदार को इस बात की खबर हुई तो उसने उन चार नौकरों का सर कलम करवा दिया और खुद इस गांव और महल को छोड़कर चला गया। तब से लेकर आज तक इस महल में उस लड़की की आत्मा मौजूद है। अब ऑब्वियसली मीरा इस बात पे यकीन नहीं करती, बट महल को एक्सप्लोर करते हुए आकाश को एक काली परछाई दौड़ती हुई दिखाई देती है। वो मीरा को भी ये परछाई दिखाने की कोशिश करता है और मीरा जब अपने चश्मे से देखती है तो उसे उस लड़की के अलावा उन चार नौकरों की आत्माएं भी दिखाई देती है। डर से वो चश्मा उतार फेंकती है और ये नौकरों की आत्माएं उस पर हमला कर देती है। आकाश अपने चश्मे से इन हैवानों को देखकर उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आत्माएं उस पर भारी पड़ने लगती है। हाथापाई के दौरान आकाश ऊपर से नीचे गिर पड़ता है और उसे काफी चोट आती है। उठ खड़े होने पर उसे मीरा कहीं दिखाई नहीं देती और वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तभी मीरा आकाश को एक दीवार के पीछे छुपे हुए मिलती है और उसे अपने साथ आने कहती है। जब आकाश उसका पीछा करता है तो वो खुद को मीरा की लाश के पास खड़ा पाता है। मतलब कि जो उसे यहां तक लाई थी वो मीरा की आत्मा थी जो चश्मे के उतरते ही गायब हो जाती है। आकाश मीरा की लाश के पास बिल्कुल रो पड़ता है और इस कहानी के बाद हम किताब के आगे के पन्नों में देखते हैं आकाश के आगे की कहानी। तो मीरा की मौत के बाद आकाश पूरी तरह टूट चुका था। वो दिन रात खुद को कोसता रहता था, लेकिन ये नहीं देख पाता कि उसकी मरी हुई प्रेमिका मीरा अब भी आत्मा बनकर उसी के साथ मौजूद है। बेसिकली उसे कभी मुक्ति ही नहीं मिली। आकाश को संभालने के लिए उसकी माँ उसके लिए एक रिश्ता लाती है। आकाश की माँ बताती है कि वो बस इतना चाहती है कि आकाश एक बार उस लड़की से मिल ले। न चाहते हुए भी आकाश मान जाता है और अब ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हैलोवीन बुक के पहले कहानी की किरदार वनधि थी। हम देखते हैं कि जब वो कैब में उस लड़के से मिलने का प्लान बनाई थी तब वो लड़का और कोई नहीं बल्कि आकाश ही था। जब वनधि उसे मिलने के लिए मान जाती है तब हम उसके पीछे देखते हैं मीरा की आत्मा को। वो वनधि को उस घर में लाकर मार डालती है। इसके बाद आकाश की माँ एक एक करके आकाश के लिए मालविका और उसकी बचपन की दोस्त जानो का रिश्ता भिलाती है, लेकिन हर बार मीरा इन लड़कियों को उन्हें मौत के घाट उतार देती है। इनफैक्ट तीसरे कहानी में जब जानो को हम उस वीडियो के अंदर देखे थे तो ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मीरा ही थी जो हर हाल में आकाश को अपने से दूर नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए वो जानो को भी मार डालती है। इधर आकाश के लिए उसकी माँ एक आखिरी लड़की का रिश्ता लाती है
और उसे बताती है कि इस लड़की से उसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने और उसके पिता ने ये रिश्ता पहले ही ठीक कर दिया है। तो ये कहानी पढ़ लेने के बाद कायरा और उसके दोस्त बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो किताब का अगला पन्ना पलटते हैं जहाँ लिखा था कि आकाश की अगली ब्राइड उन चारों में से कोई एक है और आज रात मीरा की आत्मा उस लड़की को भी मार डालेगी। इस पन्ने को पढ़ने के बाद कायरा और उसके दोस्तों की हालत बहुत खराब होने लगती है। कायरा अपने दोस्तों से पूछती है कि उनके लिए कोई रिश्ता आया है या नहीं, जिस पर ये बताती है कि वो किसी आकाश को नहीं जानती। डर के मारे ये लोग घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक इन्हें हर तरफ उसी किताब के किरदार दिखने लगते हैं जो एक एक कर इन पे हमला करने की कोशिश करते हैं। कायरा और उसके दोस्त पूरी तरह इन आत्माओं के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां मौत अब दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन तभी अचानक से कायरा जोर जोर से हंसने लगती है। उसे यूं पागलों की तरह हंसता देख अरुणा और बाकी सब चौंक जाते हैं। कायरा उन्हें बताती है कि यहां कोई भूत नहीं है, इनफैक्ट अब तक उनके साथ जो कुछ हुआ वो उसका प्लान था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि घर में हुई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कायरा ने खुद सेटअप की थी। स्पीकर्स और वीडियो कैमरा की मदद से उसने अपने दोस्तों के साथ एक भव्य प्रैंक किया था। प्रेजेंट टाइम में कायरा से उसके दोस्त इन आत्माओं के बारे में पूछते हैं जो अभी वहीं खड़े थे और अजीब तरह से उन्हें देख रहे थे। कायरा बताती है कि ये आत्माएं नहीं बल्कि उसके सर्वेंट्स है जिन्हें कायरा ने अपने प्रैंक में शामिल किया था। अब ये बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सब दोस्त एक साथ चैन की सांस लेते हैं और फाइनली हैलोवीन की रात समाप्त होती है। तो आगे हम अगली सुबह का समय देखते हैं जहां सभी दोस्त सो रहे थे जब कायरा को बाहर डोर पर बेल सुनाई देती है। वो अपने बिस्तर से उठकर डोर खोलती है जहां उसी का नौकर खड़ा था जिसने पिछली रात पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी। कायरा उसे यहां देख चौंक जाती है क्योंकि पिछली रात तो वो घर पे ही था। इनफैक्ट यहां हम कायरा के दूसरे नौकर को भी देखते हैं जो वो आदमी था जिसे हमने कहानी के दूसरे हिस्से में देखा था। जब कायरा उनसे कल रात का सीन पूछती है तो जवाब में ये दोनों कुछ ऐसा कहते हैं जो सुनकर कायरा बिल्कुल चौंक जाती है। ये दोनों बताते हैं कि असल में कल रात कायरा ने उन्हें फोन करके घर आने से मना किया था, इसीलिए कल वो लोग यहाँ आए ही नहीं थे। जब कायरा अपना फोन उठाकर चेक करती है तो उसे उसमें भी अपने दोस्त रिया के कई मिस्ड कॉल्स मिले हुए थे। कायरा तुरंत रिया को फोन करती है और उसे पूछती है कि उसने इतने कॉल्स क्यों किए, लेकिन रिया की बात सुनकर कायरा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। रिया उसे तुरंत टीवी ऑन करने कहती है और न्यूज चेक करने कहती है। तो जब कायरा न्यूज देखती है तो वहां उसे खबर मिलती है कल रात हाईवे पे हुए एक एक्सीडेंट की। बताया जाता है कि कल रात एक तेज रफ्तार में आती हुई गाड़ी का हाईवे पे भयानक हादसा हो गया जिसमें 3 लड़कियों की तत्काल मौत हो गई। ये लड़कियां थी रितु, अरुणा और काव्या, जी हाँ कायरा की दोस्त। लेकिन यहाँ आश्चर्य वाली बात तो यह है कि ये तीनों कल रात कायरा के साथ ही थी। यही सोच जब कायरा अपने सीसीटीवी का कैमरा चेक करती है तो उसका सारा कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाता है। वो देखती है कि कल सारे समय उसके साथ कोई भी मौजूद नहीं था बल्कि वो पूरी तरह अकेली थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा से बात कर रही हो क्योंकि उसकी दोस्तों की मौत तो पहले ही हो चुकी थी। ये बात समझने के बाद कायरा पूरी तरह सदमे में चली जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन कुछ महीनों बाद का आता है जहां कायरा अब भी अपने दोस्तों के साथ हुए हादसे को नहीं भूल पाई है। ऐसे में एक दिन उसकी माँ उसे बताती है कि उसे देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। कायरा अभी सब में पढ़ना नहीं चाहती थी लेकिन अपनी माँ की जिद करने पे वो लड़के से मिलने के लिए मान जाती है। हम देखते हैं कि बाहर अपने माता पिता के साथ कायरा से मिलने आया है आकाश। उसे देख कायरा को तुरंत वो कहानी याद आ जाती है। कायरा आकाश से पूछती है कि क्या वो एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है। ये सुन आकाश चौंक जाता है और कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता चला, और यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म बू की पूरी कहानी जो वैसे तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एक्सेप्ट लास्ट में 2 टर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं। तो कहानी में हैलोवीन के दिन कायरा के दोस्तों के घर पहुंचने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी जान चली जाती है। शायद इसलिए वो लोग पार्टी में इतनी जल्दी पहुंच गए थे। आपको याद होगा मैंने कहा था कि कायरा शॉक में आ गई थी कि वो लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि मर गए उनकी आत्माएं तुरंत आ गई। उसी टाइम के अराउंड शायद रितु, अरुणा और काव्या की मौत हुई होगी एक्सीडेंट में। बेसिकली माय पॉइंट इज कि जो कायरा से मिलने आई थी वो इनकी आत्माएं थी। अब कायरा को जरूर वो किताब वैसे ही मिली होगी जैसे उसने बताया था और उसे लगा होगा कि ये कहानियां असल नहीं है मात्र कोई मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन एंड में हम समझ पाते हैं कि मीरा और आकाश की कहानी वाकई में सच है। इनफैक्ट अब आकाश का रिश्ता कायरा के लिए आया है जिसका मतलब है कि कायरा बनेगी मीरा की अगली टारगेट। तो ऐसे में क्या उस किताब में एक 5वीं कहानी जुड़ जाएगी या कायरा खुद इस रिश्ते के लिए मना कर देगी? वेल, ये बातें हमें इस कहानी में तो नहीं पता चलती है, और अगर ये फिल्म अच्छी चलती है तो शायद हमें पार्ट 2 मिल सके। फिलहाल तो हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये मूवी रियलिटी में और स्पिरिट वर्ल्ड में काफी टू एंड फ्रो ट्रैवल करती है जहां हमें पता ही नहीं चलता कि रियल क्या हो रहा था, स्पिरिट्स कौन थे। बट इन द एंड एक बात तो क्लियर होती है कि कहानियां सच थी
थी, लोग मरे थे, आत्माएं मौजूद थी। तो यही चीज इस एंथोलॉजी फिल्म को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि कहानियां सारी आपस में जुड़ती है और देखा जाए तो 5 कहानी है, क्योंकि एक कहानी तो कायरा की भी चल रही है। मुझे पर्सनली इस फिल्म की कॉन्सेप्ट काफी पसंद आई। अगर आपको भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।